इसके बारे में हम विस्तृत थोड़ा बताएंगे। हमने किस प्रकार मौन को समझा, आपने किस प्रकार मौन को समझा, और आध्यात्मिक संत, जो आध्यात्मिक संत हैं, देखिए इन लोगों का मौन के ऊपर में क्या कहना है। अंत में हम सब निर्णय लेंगे, हम सबका निर्णय क्या निकलता है। क्या अब मेरा मानना है कि ज्योतिष अपनी जगह, अपना केपी एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह, लेकिन कोई भी चीज हो, भले आपकी आध्यात्मिक यात्रा हो, प्रोफेशनल यात्रा हो, उसमें वो चीज जो आवश्यक लगती है किस हद तक, उसको कहें मौन साइलेंस। एंड साइलेंस इज द बिगेस्ट व्हीकल, नंबर वन व्हीकल फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मौन का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए मैं मौन तक पहुंचू, इसके पहले मैं चाहूंगा अंजू लांबा जी, एक कथा इन्होंने भेजी थी मुझे छोटी सी, तो अंजू लांबा जी आए, वो कथा सुनाए और उससे हम सार निकालेंगे, देन वी गो पॉइंट। अंजू जी की छोटी सी ताली बजा दे, बढ़िया, देन टुक द इनिशिएटिव। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। ब्लेसिंग्स, खुश रहो। मैं आज की कथा सुनाती हूँ, जो कि ये है कि भगवान जी हमें कहाँ नजर आते हैं और कहाँ नहीं नजर आते। कहते हैं एक बार एक मास्टर जी होते हैं, वो जब क्लास में जाते हैं तो सब बच्चों को कहते हैं कि पढ़ाना शुरू करने से पहले सब बच्चों को रोज कहा करते हैं कि खुदा देख रहा है, खुदा हर जगह व्यापक है। तो उसके बाद ही वो बच्चों की पढ़ाई शुरू करते हैं। बच्चों को रोज पता था कि मास्टर जी आते हैं क्लास में और आके बोलते हैं कि खुदा व्यापक है, खुदा खुदा देख रहा है। पर एक दिन एक बहुत ही अजीब सी बात होती है, मास्टर जी क्लास में आते हैं और बच्चों को क्वेश्चन करते हैं कि वो नहीं बोलते कि खुदा व्यापक है, खुदा देख रहा है, तो बच्चों को इंस्टेड क्वेश्चन करते हैं कि बताओ खुदा कौन सी जगह नहीं है। सब बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं कि आज मास्टर जी को क्या हो गया, उन्होंने कैसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है कि खुदा कौन सी जगह नहीं है। ये तो रोज कहते हैं कि खुदा हर जगह है, खुदा हर जगह व्यापक है। तो एक लड़की, छोटी सी बच्ची होती है, वो हिम्मत करके खड़ी हो जाती है और वो मास्टर जी से कहती है कि मास्टर जी अगर आपकी इजाजत तो क्या मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। मास्टर जी को भी हैरानी हो जाती है, वो कहते हैं कि मैंने तो क्वेश्चन भी गलत ही पूछा है, बच्ची गलत ही मुझे आंसर देगी। तो वो कहते हैं अच्छा हाँ तुम बताओ कि खुदा कौन सी जगह पर मौजूद नहीं है। बच्ची कहती है मास्टर जी खुदा तो व्यापक है और खुदा देख भी रहा है, खुदा सिर्फ एक ही जगह नहीं है, बाकी सब जगह है, बताओ कहाँ नहीं है खुदा। मास्टर जी कहते हैं, बच्ची कहती है कि खुदा आदमी के ख्याल में नहीं है, समझ में नहीं है, बाकी सब जगह है, आंखों में है, शरीर में है, हाथों में, पैरों में वही है, पर इंसान की याद में खुदा नहीं है। इतिहास कहता है कि मास्टर जी की एकदम अध्यापक मास्टर जी जो है बच्चों के पैर बच्ची के पैरों में गिर जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं तो समझा था कि मेरा सवाल ही गलत है, लेकिन तुमने तो इस जवाब ने मुझे ही गलत साबित कर दिया, तुम्हारे इस जवाब ने मुझे ही गलत साबित कर दिया है। तुम सही हो बेटी, तुम सही हो, सच में एक ही जगह खुदा नहीं है, रोम रोम में भी वही है, जर्रे जर्रे में भी खुदा है, पर आदमी की समझ में नहीं है, आदमी के ख्यालों में खुदा नहीं है, सब कुछ उसकी याद में है और सब कुछ उसकी निगाह के नीचे है। अगर हमें इतना एहसास हो जाए कि हम उसकी याद में है पर वह हमारी याद में नहीं है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसकी तरफ से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है पर हमारी तरफ से भगवान के साथ रिश्ता नहीं जुड़ा हुआ। हम उसको कभी पल में याद नहीं करते, खुशी में हम कभी भगवान को याद नहीं करते, बल्कि दुख में तो हम भगवान को हमेशा याद करते रहते हैं। बस इतनी सी है कहानी, छोटी सी। वेरी गुड अंजू जी, वेरी गुड, ब्लेसिंग्स। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। नाउ दिस इज स्मॉल स्टोरी, बट व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम इट, क्या सीखा हमने से। भगवान शब्द जाना, भगवान क्या है, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण, नारायण नारायण, यह सब जाना। तो
वो जो ख्याल में नहीं भगवान, तो किसी व्यक्ति की निंदा करने के पहले, किसी के प्रति के बैर करने के पहले यह विचार क्यों नहीं आता कि इसमें भी नारायण है। तो कहानी का एसेंस वही है कि भगवान का ख्यालों में नहीं है। ख्याल कहां है? ख्याल मेरे स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। स्वार्थ कहां है? ये सामने वाला मेरे लिए क्या कर सकता है ना। तो मैंने वो चीजों में, ख्यालों में तो मेरे स्वार्थ को रख रखा है। अगर मैं पंडित भी हूं, मंदिर के द्वार बैठा हूं, तो मैं जजमान देख रहा हूं भगवान की तरफ, मेरा खुद का ही ध्यान नहीं है, भगवान मेरे ख्याल में नहीं है, भगवान मेरे जजमान में, मेरा ख्याल मेरे जजमान में है, मेरा ख्याल मेरी दक्षिणा में है, मेरी ख्याल मेरी आजीविका। आप सहमत है इस बात से? आप सहमत है इस बात से? अब ये स्टोरी से हम एक आज के टॉपिक को कनेक्ट करते हैं। आप देखिए, जिस प्रकार कहा कि ईश्वर कहाँ है आपके ख्याल में नहीं, जानते समय। एक बार क्या हुआ, मैंने चार लोगों को काम दिया। माधवी को बोला, माधवी अपना गार्डन है, इसमें गड्ढा खोद के रखना, ठीक है। पूर्णिमा जी को बोला कि इसमें आप बीज डालना, ठीक है। वर्षा जी को बोला, वर्षा जी आप ये बीज डाल दे तो इसके ऊपर मिट्टी डाल देना। बोले ठीक है, मिट्टी नहीं, मिट्टी डालने के पहले पानी डाल देना। पानी डाल दिया। और चौथा मैंने शिप्रा को बोला, शिप्रा तो इसके ऊपर पानी डालने के बाद तू मिट्टी डाल देना, ठीक है। चारों के ताल लौट हमें। अब इन चारों के कामों में एक भी भूल कोई रिजल्ट लेके आ सकती क्या? अंजू ने गड्ढा खोद दिया, माधवी ने गड्ढा खोद दिया, वर्षा बीज डालना भूल गई, भारती ने मट्टी डाल दी, पानी डाल दिया, पूर्णिमा ने ऊपर मट्टी डाल दी, कोई रिजल्ट निकला? निकला कुछ नहीं। इट मींस क्या, द प्रोसेस विच वी आर डूइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, आध्यात्मिक जर्नी हो, हम हमारी सोच का सीमित कर लेते हैं, वह हमारे आध्यात्म रूपी बीज हम नहीं डाल पाते। ऐसा नहीं हो सकता आप सब डालते, लेकिन मेरा स्वयं का चिंता नहीं है कि नहीं डाल पाते। और वह आध्यात्मिक बीज है आपका साइलेंस। साइलेंस एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई आवाज नहीं, जिसकी कोई गूंज नहीं, जिसका ऐसा, इसका केवल एहसास होगा। मैं कहूं, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि साइलेंस बगैर मतलब सिर्फ मेरे होंठ ना हिले, मैं बोलू नहीं और मैं साइलेंस हूं, तो ये सबसे बड़ी भूल है। सब आध्यात्मिक संतों ने अलग अलग ढंग से बोला है। हाँ, एक बात तो हमें क्लास से सिखाया, चुपचाप बैठ जाओ, उंगली रखे बैठो, चुपचाप मस्ती करी तुमने, कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठो। एक साइलेंस वो था जिसमें हम मुंह पे उंगली रख के तो बैठे थे, पास वाले को देख रहे थे या अपने को देख के क्या सोचा है, सामने देख रहे थे कब टीचर की नजर निकल जाए, कब अपन बोले है मैं तो बोलूंगा, फिर उंगली रख रहे थे। रिकॉल योर चाइल्ड टाइम, दैट टाइम ऑल्सो इज वन साइलेंस, वो भी एक आपका मौन था। वह मौन तो मैं मानता हूं सबसे अच्छा था। अब अगर हम इस जिस उम्र में हैं, आज के दौर में जिस उम्र के हैं, इसमें हम मौन को किस प्रकार हमारी आध्यात्मिक यात्रा में जोड़े, जिस प्रकार दूसरों ने कहा भाई मौन रखोगे आप, कबीर ने अलग ढंग से बोला, अलग अलग संतों ने अलग अलग ढंग से बोला, और हम इसका मिला जुला मौन निकाले ना, हर व्यक्ति कहता है मौन रखो, पर कैसे रखो ये कोई गाइड नहीं करता। मौन रखना अच्छी बात है, मौन रहिए, आप मौन रहिए, मौन रखिए, साइलेंस रखिए, वो डोंट टॉक विथ मी टूडे आई एम इन साइलेंस, शी इज गोइंग टू राइट द मैसेज, मैं आज साइलेंस में उससे बात मत करूं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक।
आपके साइलेंस का मतलब केवल आपके होंठों का ना हिलना साइलेंस नहीं है। साइलेंस वह कि हर चीज शून्य हो, जिह्वा शून्य, विचार शून्य, भाव शून्य, राग द्वेष दया ये सब शून्य, और ये शून्य स्थिति होती है, ये मौन की आगे की स्थिति समाधि स्थिति होती है। जब हर चीज मौन हो जाती है, वो भले आपके अधर तो बाद में आते हैं, आपके विचार मौन हो जाते हैं, आपकी भावनाएं मौन हो जाती हैं, सब कुछ होते हुए, तो मैं कहूंगा मौन का और मोक्ष का सीधा संबंध है। सब लोग जानते हैं आप, बस मैं थोड़ा अलग ढंग से बताने आपके बीच में हुआ। अब मौन से हमें क्या मिलता है और मौन का मेडिटेशन आज क्या करेंगे मॉर्निंग, ये भी विचार होगा आपका। देखिए मौन में आपको मैं भौतिकवाद की बात बताऊं, आपके नो प्रॉफिट होंगे, नो लाभ होंगे। अभी तो बाहर की दुनिया में, क्योंकि हम कोई भी कार्य करने के पहले सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा। पहली बात, यम और नियम जो हमने अष्टांग योग में सीखे हैं उसका आप भरपूर पालन कर पाओगे। पहला, किसी की निंदा नहीं होगी, नंबर वन। नंबर टू, असत्य नहीं बोलोगे, सत्य बोलोगे। जब निंदा नहीं होगी, असत्य नहीं होगा, तो मन भी आपका शून्य रहेगा। पश्चाताप नहीं होगा, माफी नहीं मांगना पड़ती, मैं आपको माफी करवाता हूं रोज रात को सोने के पहले आंखें बंद करो, अगर आपने किसी को बड़ा बुरा कह दिया हो तो माफ करना, तो एक माफी माफी मांगने का मौका नहीं आएगा। लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हमें मौन रखना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम एक पत्नी का रोल भी प्ले कर रहे हैं, एक माँ का रोल भी प्ले कर रहे हैं, एक बहन का भी, एक भाई का भी, और मोबाइल तो हमारा सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, तो उसके बगैर तो नहीं सकते। तो मैं आज आप लोगों के बीच में इस ध्यान के माध्यम से यही संदेश देने जा रहा हूं कि जिस प्रकार आपने अपनी पूजा का टाइम डिसाइड कर रखा है, आपने नियमावली बना रखी है टाइमिंग, इसमें कुछ आप ऐसा करें कि यार कुछ पल ऐसे रखें कि आप मोबाइल भी नहीं हो, आप कुछ बोलेंगे। इसको आप दूसरा शब्द ध्यान में ले जा सकते हैं कि ध्यान का समय भी आपका एक साइलेंस का टाइम ही है, लेकिन ध्यान में भी आपके मन में विचार चल रहे हैं, कुंडली पे ध्यान जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, मेरे को ये वाइब्रेशन क्यों नहीं आ रहा है। ये देखिए, पूर्णतः शून्य होना। एक संत था, बोले यार सर आप इतने साल मौन में रहे, आखिरी में एक शब्द बोल लो जो हमारे काम आए। एक संत था, 10-15 साल मौन में रहा, बोले जीवन क्या है, बोले बेटा ये दो शब्द बोल के जा रहा हूं, समझ सके तो समझना, नदी में चल के जाना भी है और पैरों को गीला करना भी नहीं। You have to walk in river. You have to walk in the water. But remember, your feet won't become wet. बोले क्या? बोले देखो, आपको इस दुनियादारी में रहना भी है, लेकिन यह कोई आपको छुए नहीं। केतु का ध्यान रखो, अटैच नहीं हो सको आप उससे। This is the main thing. जिस प्रकार एक कमल एक कीचड़ में खिलता है, पर उसका एहसास भले नीचे जड़ रही थी, लेकिन ऊपर कमल उसके ऊपर उड़ता, इतनी गंदगी, इतनी विशुद्धि के बाद। तो हमें भी हमारा जीवन ऐसा ले जाना है, ऐसा ले जाना है कि भले ही इस दुनिया में रहे, भौतिक दुनिया में रहे, क्योंकि हमें रोल तो प्ले करना है ना, हम किसी की माँ है, किसी की बेटी है, वहां जाकर हमें सोशल लाइफ में रहना है, पर सब रहकर भी हमारी उस सोल रूपी कमल को इस पांच तत्व, पांच इंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और बाहर के पांच तत्वों से बचाकर रखना ही मौन है। मैं आपसे कठिन नहीं बात कर रहा हूं, ना आपको संस्कृत में बात कर रहा हूं, आम भाषा में बात कर रहा हूं, लेकिन उतना ही जरूरी हमारा गृहस्थ जीवन भी है। गृहस्थ जीवन और मौन में हम कैसे बैलेंस बनाए, इसके लिए हमारे चिंतन के लिए बैठे।
एक और बात बताता हूं, मैंने आपको ध्यान बताया था, मेरे हिसाब से मौन और ध्यान दोनों एक ही है। ध्यान की वह पराकाष्ठा जिसमें आप शून्य हो जाते हैं, आपके विचार शून्य हो जाते हैं, आपकी भावनाएं शून्य हो जाती हैं, आप स्वयं शून्य हो जाते हो, वह सत्य मौन है। अब एक बात बताइए, बाहर की दुनिया का मौन लेके आऊं, अगर एक बच्चा आपने दही खिलाकर भेजा परीक्षा देने जा रहा है और वह परीक्षा दे रहा है, केवल उसकी कॉपी, उसके प्रश्न और उस प्रश्नों के उत्तर के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है दिमाग में, जिसको कहते हैं बाहर का ध्यान, कॉन्सेंट्रेशन, आउटर, वह भी एक प्रकार का निशब्द मौन है। तो हमारे जीवन में हम ऐसा क्या करें कि हमारे गृहस्थ के जीवन में रह भी ले हम और इसको भी लेकर चले। तो यह बात हम करेंगे भी ध्यान के माध्यम से और हमारे उसके माध्यम से भी। पहली बात मैं कल दोहरा चुका हूं आपको, अब हम इस उम्र में हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम ये कर नहीं सकते, हमारे स्वभाव में बदलाव की जरूरत है। उसके लिए सबसे अच्छी की एक दे रहा हूं आपको, जो कहीं ना कहीं मौन से जो नौ चीजें उत्पन्न होती है, अगर आप शब्द बोलते हो तो किसी का दिल दुखता है, असत्य बोलते हो स्वार्थ भटकता है, सब। जब आपसे कोई प्रश्न करे तभी हम कोई उसका उत्तर दें। ओके, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपन हालचाल मत पूछो, कैसे हो गुरु जी, कैसे, क्या तबियत, नहीं, वो तो अपने प्रोटोकॉल है, लेकिन वो प्रोटोकॉल भी कुछ अच्छे हैं, सब अच्छे। पहले आप अच्छी हो क्या? बिफोर आस्किंग एनीवन एल्स हाउ आर यू, यू जस्ट आस्क योरसेल्फ हाउ आर यू, तो आपको आंसर आएगा। अरे यार परेशान हो, उसकी तबियत ठीक नहीं चल रही, इसकी तबियत ठीक नहीं चल रही, मेरी। जिस दिन आपने अपने आप से हाउ आर यू करना सीखा और 15-20 मिनट डिस्कशन करी, उस दिन से आपकी मौन की यात्रा प्रारंभ हो गई। आंखें बंद, कैसी हो माधवी? हाँ बढ़िया, हाउ आर यू? ठीक हूँ, दिक्कत कोई? हाँ थोड़ा बच्चा, मेरा बेटे की शादी नहीं, अच्छा। कैसे हो? व्हेन यू आर स्टार्ट टॉकिंग यू स्पेंड सम टाइम, मे बी पॉसिबल यू कैन स्टेंड, अच्छा। आप अपने परिवार से बाहर जाओगे तो मेरी डिवाइन एस्ट्रोहेलिक प्रोसेस याद कर लो, आंखें बंद करते करते, वो कहीं ना कहीं मैं आपको उस प्रोसेस के माध्यम से उस यात्रा में लेके जाता हूं। भले मौन नहीं है, ये मौन नहीं है, लेकिन पर भी आप शब्द मौन है, विचारों में उस मौन की शून्यता की ओर यात्रा है। अब हम कहें शून्य, भाई हमारे को मौन बना के शून्य क्यों करना? हमको आध्यात्मिक संत तो बनना नहीं है हमको, कि हमको कोई बहुत बड़ा वो करना है। अभी तो हमारे को गुरुजी आप कहते हो एक तरफ कि अपने रोल के साथ जस्टिफाई करना, एक तरफ आप कहते हो कि प्रश्न पूछे तो जवाब देना, ये दोहरी बात क्यों बोल रहा हूं? मेरा कतई एक कहने का अंदाज नहीं है, बट एक चीज जो बोलू, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा व्यर्थ बोलते हो, जिससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है, ना आपका हो रहा है, ना सुनने वाले का हो रहा है, ना जिसके बारे में बात करो उस तक पहुंच रही बात, कहेगा जो कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट बात, वो नहीं है कि आप इतने रिजर्व हो जाओ, नहीं, लेकिन कभी कभी इस घर में आप ऐसा प्रयास करोगे, प्रयास करोगे तो ही साल पर लगे, 6 महीना लगे, आप उस मुकाम पे आ पाओगे कि वह मौन, कि विचार शून्य, विचार मौन। इस मौन को एक अलग ढंग से बोला, मौन मन को बाहर की उत्कृष्टता से नकारना, रहना, आप रहना पानी में, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, वो जो मैंने बोला संत की भाषा में, भाई रहना पानी में पर पैर हिले नहीं करना। तो इसको मैं आप लोगों के लिए संक्षिप्त कर दूंगा, बहुत प्रायोगिक कर दूं, तो शोक सब पालो, आदत किसी की मत करो।
मेरे बेटे का चेहरा बगैर देखे सोऊंगी नहीं मैं। अरे कौन बेटा, आज 4 साल 5 साल बाद 25 साल लाइन बिछाई भूल जाएगा, और वही प्यार आपको दुख देगा, वही प्यार वही इसने दुख देगा। अटैचमेंट, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द राहु एंड केतु टू प्लैनेट्स, आई रिस्पेक्ट द, आई लव द बोथ प्लैनेट्स। एक सिखाता है अटैच हो, दूसरा सिखाता है डिटैच हो, टाइम टू टाइम। तो हमें अपने रिश्तों के साथ, हमारी भावनाओं के साथ, हमारे मटेरियल वर्ल्ड के साथ कितने रहना है, कितने पैरों को गीले करना है, इसका ध्यान आप रखें। और मैं आपको और बता दूं, आखिरी में ध्यान शुरू करने के पहले, यह बात आप मान के चलिए, आपकी चिंता करने से, आपके कंसर्न करने से कोई सामने वाले की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, ना उसका कोई काम हो रहा है, ये केवल आप पीड़ा झेल रहे हो। आपको जो भी काम करना है, मेरे को दवाई टाइम पे देना, दवाई दूंगा, डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर को दिखाऊंगा, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मैं प्रपोजल के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं उसको यहां नहीं रख लूंगा। अब समझे मेरा बोलने का मकसद, हो सकता है कुछ रिपीट भी हो रही चीज। तो इस साइलेंस में हमें काम करें कि कल से हम ऐसा नियम रखें कि कल हम कोशिश करते हैं, ऐसा होगा नहीं हमसे, मेरे से भी नहीं होता। अब बोलो तो मैं सबसे अच्छा क्या करता हूं, मैं अपने आप को अकेला रखता हूं, आई कीप साइलेंस एंड आई कीप टू अवॉइड picking the calls unless it's not compulsory. ये भी आप प्रयास करें। अरे आप मौन में रहोगे, आप मोबाइल से पहले दूर रहना सीखो। अभी तो मैंने देखा, तो मैं स्वयं पहले हीलिंग करता था कंटिन्यू, अभी मेरे परसेंटेज ऑफ हीलिंग कॉल बहुत कम कर दी मैंने। मैं क्या देखता था कि मैं हीलिंग करने निकला हूं, और यू माय गॉड, वो यात्रा मेरी हीलिंग के अंदर मैं इतना अटैच हो गया कि लोगों की समस्या सुन सुन के मैं, मेरे दिमाग में खो गया। नहीं, वो भी मेरे हैं, मेरे तो भगवान की कृपा से एक आशीर्वाद करता हूँ, एक फूंक मारता हूँ, तो जो भी समस्या, लेकिन हमारा स्वभाव ये बना हुआ है कि उस समस्याओं को सुधार करने के लिए कुछ उपाय बताओ, कोई पूजा कराओ, कोई मंत्र का जाप कराओ, हमारा मन में ठोस ठोस के भरा हुआ है। अगर भगवान मंत्र जपने से, पूजा पाठ से आपके घर में केवल अगर खुश हो जाता और आपके काम कर देता, तो मुकेश अंबानी को तो कोई तकलीफ नहीं होती। जो पूजा पाठ पंडित, जो पंडित मंदिर के बाहर बैठा रहता है, जो मंत्र पढ़ता है, तो उसको तो कोई तकलीफ नहीं होती। हर चीज की एक निश्चित सीमा है। यह आपका एक कर्तव्य है कि जिसने हमको 5 तत्व का शरीर दिया, माता पिता उनको प्रणाम करना, जिसने पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, डिवाइन चला रहा है, उसको धन्यवाद देना, वो ये ग्रेटिट्यूड बनाना है। ये प्रार्थना पूजा हमारे कृतज्ञता में आती है। इस कृतज्ञता में ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो इस कृतज्ञता से, और आपका ध्यान आपसे 1,000 का 1,00,000 गुना ध्यान आपका उस शख्स रख रहा है जो आपकी श्वास चला रहा है, पर वह ध्यान आपके हिसाब से नहीं रख पा रहा है। सिंपल, तो मौन में रहना सबसे अच्छा, एक स्वीकार भाव जहां डाल दिया आपने और अपने आप को थोड़ा इंट्रोवर्ट कर लिया कि आज तो मैं बहुत कम बोलूंगी यार, बस जब जरूरत पड़ेगी जब ही बोलूंगी। माय डियर, आपका 50% आपके वर्ड्स कम हो जाएंगे, आप अपने आप को टटोल के देना। एक डिसीजन लेना कोई भी दिन, आई एम नॉट सेइंग डेली, गुरुवार शनिवार इस चाहे शुरू, बस उस दिन ये चक्कर में आज मैं कम बात करूंगा, बस मेरे कर्तव्य के निर्वाह करूंगा पूरा, ऐसा नहीं पर कम बात करूंगा। देखिए, मैंने देखा है अनुभव, मेरे जो बड़े बड़े संस्थानों में जाते हैं ना, तो वहां पर एक साइलेंस कोर्स होता है, कोर्स ऑफ साइलेंस, तो दो दो तीन तीन दिन चार चार दिन वो साइलेंस में रखते हैं, वो ध्यान करवाते हैं। आप साइलेंस में हो, आप ध्यान में हो, तो आपके अंदर की चेतना इतनी जागृत हो जाती है कि आप स्वयं भगवान हो जाते हो। लेकिन अधिकता 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 भी ऐसी हो जाती कि उस वक्त आप टोटली यू बिकम हिप्नोटाइज। मैं कुछ मेरा अनुभव बता रहा हूं आपको, आप हिप्नोटाइज, जो जैसा बोले वैसा करने को तैयार, तो नहीं, वह अवेयरनेस भी हमें रखना है।
क्योंकि ये मैं हमेशा बात बताता हूं कि व्हेन यू आर टू हैप्पी डोंट मेक इट एनी प्रॉमिस, व्हेन यू आर टू हैप्पी डोंट मेक एनी प्रॉमिस, व्हेन यू आर टू इन एंगर डोंट स्पीक ए सिंगल वर्ड, एंड व्हेन यू आर टू सैड डोंट टेक एनी डिसीजन. आई डो नॉट वॉन्ट टू कोट एनी ऑर्गेनाइजेशन नेम, मैं किसी को बात नहीं कर रहा हूँ. सामान्यतः अधिकांश मैंने लोगों में देखा है, ये संस्थाओं में देखा है, वहां 3 दिन का साइलेंस रखा लेंगे, उसके बाद आप हो गए, देन दे स्टार्ट टू टॉकिंग अबाउट डोनेशंस. अरे आप यहाँ आए हो किसके लिए आए हो, उसको दो, ईश्वर को करो, वो भी उनकी एक टेक्ट है. तो हाँ हाँ ठीक है, 3 लाख रुपीज मैंने बोल दिया, बट जब मेरा मोन खुला और घर पहुंचा और बीबी ने पूछा, और माय गॉड, आप सहमत है मेरी बात से, मानते इस बात को, मैं आपको चेहरा देखा, मानते इस बात को, उस वक्त तो बोल दिया अपने भावनाओं में आके, हाँ, और आपको इंकरेज करेंगे, अरे देखिए इनने करा, आप क्या कर रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक ए मार्केटिंग गेम. आई एम नॉट कोटिंग एनीवन, बट यू आई थिंक आई सीन द ऑल एवरीवेयर. अगर आपका कोई काम ही हो जाता कि जो ने देखा, अब आप ये काम करो, हम लोग कर देंगे उसको, जो भी अगर ऐसा है तो तू ये भी काम करके डबल फीस ले रहे. एनीवे हम थोड़ा नकारात्मक जा रहे हैं, लेकिन मैं बोलूं कि ये हमका हमारा भावनाएं भी कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन है. तो हम तो हमारा गृहस्थ में रहेंगे, अपने पत्नी पति माँ और सब रोल को निभाएंगे बराबर, लेकिन साथ साथ में क्या करेंगे, हम ये करेंगे, आज मैं कम बोलूंगा. बस गुरु जी मैं पाठ पढ़ सकता हूँ क्या, वो पाठ पढ़ना आपका भाव है, पाठ पढ़ो जो पढ़ो, लेकिन आज मैं मेरे शब्द से किसी बाहर को इंगित नहीं करूंगा जब तक कोई प्रश्न नहीं पूछे. कर सकते हैं क्या? अरे कल से क्या होगा मालूम, यही बोला रहे हमारे गुरु जी ने बताया हमको, बताया कि कोई पूछे तो जवाब देना, ऐसा उसके ऊपर ही गॉसिप बन जाएगी आधे घंटे की आप लोगों की. नहीं ये मैंने महसूस किया ही है, उसमें बन जाएगी. अरे तू भी एक काम करा कर, तू अब ज्ञान देने में तो हमारे से बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं, तू भी कोई जरूरत लिखे तभी बात करा कर, मत करा. वही मेरी बात के पहले आप अप्लाई करो, इन दैट केस यू सजेस्ट समवन एल्स. कल ये बात किसी से करना भी नहीं, अपने आप से सुनना, अपने नाम को सुनना कि भाई मैं आज से संकल्प लेती हूँ, आप में से कोई भी ले इवन नॉट शेयर विथ मी, आज से मैं करूंगा ये बात करूंगा, जब कोई प्रश्न पूछेगा तभी जवाब दूंगे, नहीं दैट्स आई वांट देन सी योर लाइफ. उस दिन रात को अपने मन को देखना, हो सकता है इमीडिएट आपका मन रहे यार मेरे को बोलना है बोलना, वो कंट्रोल जो करोगे आप, दैट इज ए साइलेंस. अरे कंचन को आगे, कंचन को बोलना बात भूल गया मैं यार, बोलू कि नहीं बोलू, बोलू कंचन वापस आएगी 3 घंटे बाद प्रश्न करेगी तो तब बात कर लेंगे. क्यों ना हम एक साथ, जो यूएस से सीखा मैंने कि एक दिन का हम जो 7 दिन का खाना एक साथ बना लेते हैं, राइट? देखो कितना प्यारा नॉलेज निकल गया है. हम 1 महीने का राशन भरा लेते हैं, राइट? कि महीने पर हमको जाना नहीं पड़े, तो और महीने भर का घर में सामान भरा लेते हैं कि महीने भर हमें जाना नहीं पड़े. इवन हमारा प्रोफेशनल इतना एंगेज है कि हम खाना भी बना लेते हैं हफ्ते भर, सैटरडे संडे का 2 दिन पहले बनाते हैं, संडे को बनाया. तो ऐसा हमारा शाब्दिक काम भी हम क्यों नहीं निपटा लेते. आज मुझे मेरे बेटे से बात करनी, बात कर ली, ओके बेटा कोई दिक्कत हो बात कर, बेटे से बात कर ली, ये कर लिया. ऐसा हम एक दिन का क्यों नहीं एक बार में काम निपटा सकते. ये हो सकता है डिफिकल्ट हो, मैं पॉसिबल है, मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ, मेरे भी मेरे लिए भी नहीं है, इसी करके देखते हैं. मेरे को कोई आपसे वो नहीं चाहिए एग्जाम्पल उत्तर वगैरह, आप बस करके देखिए. तो मौन के समझ, मौन का इंपॉर्टेंस तो मैं अभी ध्यान में बताऊंगा आपको, लेकिन मौन के बारे में इतना प्रैक्टिकली बोला मैंने, ये सब आपके हाथ में है. आप शब्दों से मौन रहना है, विचारों से मौन रहना है, यह आप पहले तभी होगा जब आप शब्दों से मौन रहोगे, कम बोलोगे. कम बोलोगे तो आपको दूसरी चालू प्रोसेस होगी थॉट की, वो भी एक वॉकिंग है. जैसा बोलना एक प्रोसेस है, थॉट भी एक प्रोसेस है. फिर धीरे से आप थॉट को क्लियर कम करोगे, फिर फीलिंग्स को कम करोगे, एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप
ने बोला आंख बंद करो, लंबी गहरी सांस लो, खट से ध्यान में चले गए। हमें हर चीज को बैलेंस करके चलना है, वो भले स्पिरिचुअल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो अभी स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रहे हैं हम, तो स्पिरिचुअल लाइफ में हम यात्रा चालू कर रहे हैं अभी। इस प्रकार से मैंने आपको ध्यान की यात्रा करो, रियली बता रहा हूँ आपको मैं, मेरे ध्यान को आप शब्दों में मत जाना कि मैं कोई नाम देखकर बहुत वो उसमें आप क्या मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि मुझको खुद को मालूम नहीं रहता, वेरी प्रैक्टिकल सिंपल है ना। तो मैं जितना जस्टिस कर पाया साइलेंस शब्द के साथ, अनसाइलेंस होकर, अब उतना ही जस्टिस आपको करवा पाऊंगा साइलेंस रहेगा। ठीक है, एनी किसी का प्रश्न मेरी बातों से कोई उपजा हो, यू कैन आस्क एनीबडी व्हाट एवर यू वांट। या गुरु जी मतलब ऐसा नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं, अब क्या करें, यू कैन आस्क। हाँ बोल बेटा। शिप्रा जी गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। ब्लेसिंग, शिप्रा इज फ्रॉम गुरु जी गुरुदेव। जैसे आपने बोला कि आप क्वेश्चन मत करिए, अपन किसी से मिलते हैं तो वो बोलेगा यार ये इसको एटीट्यूड आ गया, ये बात ही नहीं कर रहा है अपने से, कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है। आप मेरी बात का अर्थ नहीं समझे, जी जी गुरु जी, मैं आपके आया है ना, जी गुरु जी, अभिवादन, नमस्कार, जी नमस्कार, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? बढ़िया। अब मैं आपसे, आपने मुझसे प्रश्न किया, गुरु जी कहाँ जा रहे हो आप? मैं क्या गुरु जी जा रहा हूँ? उसके लिए मैं कोई ऐसा प्रश्न अपनी तरफ से नहीं करूंगी जहां से चार प्रश्न बने। मैंने अपना औपचारिक करा लिया, बेटा कैसी है, परिवार कैसा है, मनी मनीष कैसा है, ये सब कैसे है, ये कैसे, सब बढ़िया, घर कैसा चल रहा है, बढ़िया, बात कर ली, खत्म। मतलब पहला कोटा पूरा कर लिया मैंने। उसके बाद आपकी जो जिज्ञासा रही, अगर मैं गुरु के रूप में आपके आया हूं तो आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा, है ना। वह चीजों को तो मैं रोकने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं वह चीज बात कर रहा हूँ जो फोन के ऊपर हम लगे रहते हैं बात करने, है ना। क्या कर रही है तू, क्या कर रही है, क्या बिल्डिंग बनी, सब्जी खाई के बनी तूने, मैं ये बातें कर रहा हूँ। जी, ये ठीक जो है जी, गॉसिप को जितना आप कम करेंगे ना, अब एक अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका नेचर है तो थोड़ा कम करते जाओ। मैं आपको, अगर आपकी हॉबी बन चुकी है गॉसिप बात करना एक दूसरे से, जितना कम बात करोगे ना उतना जस्टिस कर पाओगे इस रास्ते से। अब ये सब शिप्रा ने सारा बोल दिया, नहीं मैं उपचार वो बातों की बात थोड़ी कर रहा हूँ। और ये कोई सोचेगा अरे तो बात ही नहीं करता, इस चक्कर में आप अपना नुकसान कर लोगे, जी, गुरु जी, आप अपना नुकसान करोगे। ठीक गुरु जी, सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे लोग, वह व्यक्ति जिसने बोलने पागल का वही बोलेगा, बहुत बोलती है यार, वही व्यक्ति आपके बारे में बोलेगा, क्योंकि ये जमाना है इसको संतुष्ट नहीं कर सकते, आप बस अपने आप को संतुष्ट कर लो। रियली यू जस्ट सेटिस्फाइड योर सेल्फ ऑन, यू कैन नॉट सेटिस्फाइड योर सोसाइटी। वो था ना, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको मैं, हो सकता है सुनियो जल्दी। एक बार मिठाई की दुकान खोली थी बेचारे ने, वो आता है कवि किशोर, उसने लिखा यहाँ पर हमारे यहाँ ताजी मिठाई की दुकान मिलती है। तो जी बोलेगा तू हमारे क्यों लिखा तूने, मिठाई मिलती है ताजी, बस बात, उसने हमारे बता दिया। एक दूसरा आया, बोले यार क्या लिखता है यार, ये तेरे मिठाई लिखी है, मिठाई ताजी मिठाई मिलती, मतलब क्यों बासी भेजता है क्या? बोले नहीं, ताजी तो ताजी हटा, मिठाइयां मिलती है, वो ताजी हटा दी तब। तो बोले भागो, एक और आता है, बोलता है मिठाइयां मिलती, मिठाई तो तेरे पास में है ना, नीचे रखी है, कॉमन सेंस की बात है, ये मिठाई है तो मिठाई मिलेगी, मिठाई भी मिटा दिया, तो उसमें लिखा मिलती है, तो मिलती है। बोले यार ये, फिर कहा, बोले ये क्या लिखा मिलती है, अब तू दुकान खोल के बैठा है तो मिलेगी ना यहाँ पर, है ना, मिलती हटा, तो मिलती हटा दिया, तो है केवल है था। एक और समझदार आया, बोले यार ये क्यों लिखा है, जब तेरी दुकान खोली है अंदर मिठाई है तो है का भी क्या मतलब, तो उसने है भी मिटा दिया। फिर एक और सज्जन आया, बोले यार खाली बोर्ड लिखा है यहाँ पे क्यों नहीं लिखता है कि यहाँ हमारे यहाँ ताजी मिठाई मिलती है। जी जोक, तो यू कैन नॉट सेटिस्फाइड द पीपल। आपका जो सोचना है, छिप्रा आपके प्रश्न से मैंने इतनी बात कर ली जी कि आप पे ना किसी दूसरों का लोड मत लो, केवल आप अपने शब्दों का अपना ही लोड लो। ठीक है, साइलेंस गाड़ी में भी होता है, एक साइलेंसर गाड़ी में होता है ना, साइलेंसर, वो क्यों होता है? अगर साइलेंसर नहीं हो तो क्या होता है, पट 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 बहुत आवाज आती है,
तो वह साइलेंसर भी इसलिए लगा था कि आवाज कम हो। तो मेरा भी आपको कहना है कि अपने मुंह के अंदर आप एक साइलेंसर लगाएं कि कितना कम बोलेंगे जिससे काम हो सके। अभी जैसे मैंने आपके एक बात के ऊपर मैंने 10 बातें बोल दिया, है ना, आप अपने आप से बात कर रहे हैं और वही 3 चीज, क्या यह बात मेरे कानों के द्वारा मेरे सुनी हुई है, यह क्या सत्य है, यह क्या सुनकर इनको लाभ होगा, नहीं होगा। बात ऐसी कोई बात जो सत्य भी नहीं है और सुनकर सामने वाले का लाभ भी नहीं हो रहा है, काहे को इन्वॉल्व करना। ठीक है, मैं आपको इस बात में वापस बोल रहा हूं, थोड़ा बोर भी हो रहे आप इस, लेकिन मैं वापस जानना चाह रहा हूं कि आपको साइलेंसर लेने का मतलब यह है कि आप थोड़ी अपनी वाणी में विराम दो। वाणी में विराम आएगा उसके बाद ही विचारों में विराम आएगा। ऐसा नहीं कि वाणी में चुप बैठे रहे आप तो साइलेंस हो गए। Your thought will continue. When you are in the silence with the lips, then second process thought will come, and one time second process thought will become silence. Thought के साथ फिर आपकी emotion silence आएगी। तो silence शब्दों को जितना छोटा भी है, कहने को छोटा है, वो कहने समझने को बहुत बुरा है। तो आइए आज हम मिलकर the silence meditation पे जाते हैं और हम देखते हैं कि आज हम कितना साइलेंस ले पाते हैं। आप सब लोग मेरी बात को फॉलो करें, लेकिन ये पैमाना आपके पास खुद के पास है कि आप अपना निर्णय स्वयं करें कि मैं कितना साइलेंस में ले पाया मेडिटेशन में। ठीक है, अच्छा, और कोई प्रश्न हो किसी के मन में आ रहा हो, जिज्ञासा, जैसे शिप्रा जी ने पूछा था, नहीं है ना, शुरू करते हैं। आंखें खुली, कीप ओपन योर आईज, अपनी आंखें खुली रखें। आंखें जहां जाना चाहती है जाने दें, just leave yourself, खुली आंखों से अपने विचार जो भी जहां भी ध्यान जा रहा है If you want to laugh, you can laugh. अगर हंसने की इच्छा हो रही हंस भी सकते हैं। Don't resist it. Resist ना करें कोई भी चीज को। खुली आंखों से जो हो रहा है देखें। खुली आंखों से एक बार अपना मंत्र चेंट करेंगे। Om
एक साक्षी भाव से सभी चीज को निहारे। विचारों की संख्या मात्रा खुली आंखों से नोट करें। पूरा ध्यान अपने श्वास पर, लैपटॉप पर ध्यान, सामने वाले चेहरों पर ध्यान, कमरों पर ध्यान, जहां जहां ध्यान आता है जाने दें। आंखें बंद ना करें, खुली रखें। कानों में आ रही आवाज पर ध्यान ले जाएं। पूर्णतः कानों को मौन करें। Keep the silence, whatever sounds are coming. Accept and surrender. Now keep the silence of your eyes. दृश्यों को विराम दे अपनी आंखें बंद करके। शब्द शून्य, श्रवण शून्य, दृश्य शून्य, वर्ड जीरो, हियरिंग जीरो, विजन जीरो। बी विद दैट एक्सपीरियंस। श्वासों का आना जाना जारी रखें। कीप द ब्रीथिंग।
श्वासों को भी शून्य करेंगे, एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे, जब तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करें एज मैक्सिमम यू कैन, एंड द रिलीज ब्रेथ बाय योर माउथ स्टार्ट स्लो. Hold. As maximum you can, and release the breath slowly, slowly by your mouth. Again, take a long deep breath, hold and release by mouth slowly, slowly. वन मोर ब्रेथ, एक लंबी गहरी श्वास और भरें, होल्ड करें एज मैक्सिमम यू कैन, रिलीज बाय योर माउथ स्लोली स्लोली. Still you have the thoughts. अभी भी आपके मन में कोई विचार चल रहे हैं, एक लंबी गहरी श्वास भर, विचारों पर ध्यान रख, श्वास को खाली करें.
मुझे कुछ नहीं सुनना। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन। एक और लंबी गहरी श्वास भरें। और अपना समय के साथ खाली करें। श्रवण मौन, दृश्य मौन, मुझे कुछ नहीं देखना। श्रवण मौन, दृश्य मौन, शब्द मौन। विचार मौन, थॉट्स इन साइलेंस।
फिर से अपना ध्यान अपने नाम पर ले आए। शब्दों के जंगल में, शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसाए रे, पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस रमाए रे। शब्दों के जंगल में मान अपमान कहाँ होता है, ये तो है शब्दों की पकड़। ओम में मिलकर, ओम में बसकर, ओम में रमना है। शब्दों के जंगल में तू क्यों फंसाए रे, पर ब्रह्म के रस से तेरा नस नस रमाए रे। Become aware of your sound, अपने कानों में आने वाले ध्वनि या साउंड पर अपना ध्यान ले आए। बंद आंखों में उठने वाले दृश्यों पर अपना ध्यान ले आए। अपना समय लेते हुए अपनी अपनी आंखें आहिस्ता स्वीकार भाव के साथ खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज। पानी का ग्लास कवर बाय योर राइट हैंड। मंग
drink water. तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, सब में नारायण, नारायण, नारायण। अब एक बात बताएं, चलने देते हैं कि यहां नारायण वहां नारायण, यहां नारायण वहां नारायण, यहां नारायण वहां नारायण, नारायण वहां नारायण, जहां देखो वहां नारायण, नारायण, सब में नारायण, नारायण, नारायण। जिनके शब्दों से आपका मन कुंठित हुआ, वह नारायण कौन था? जिनके स्वभाव से आप अशांत हो जाते हो, वह नारायण कौन था? जिसको देखकर आपका मन असंतुलित होता है, वह नारायण कौन है? सभी एक है, समय समय पर अपने शब्दों के द्वारा, अपने भाव के द्वारा जिससे आप बेर बना के बैठे हो, जिससे आप दोस्ती तोड़ के बैठे हो, वह नारायण कौन है? उसमें नारायण है या नहीं? कुछ तो नारायण होगा। मैं नहीं मानता वो पूर्णतः असुर हो। वो पूर्णतः असुर होता तो आपसे टच में नहीं आता। कुछ तो देवी गुण उसमें होगा। वह नारायण, हमें उस नारायण को प्रणाम करना है, उसके हमें असुरी गुण से नहीं। जिस प्रकार हमने यात्रा के शुरू में कहा कि जीवन का मौन का मकसद क्या मिला आपको, यही कि पानी में चलना है पर पैरों को गीला नहीं करना है। किसी ने मुझे शब्द से बोला, वही शब्द मैंने उसको बोल दिए, वही कुंठा रख के मैं बैठा हूं, वो मेरे रिश्ते हो, मेरे दोस्त हो, मेरे नाते हो, मेरे को वो कौन है? उसमें भी नारायण है ना। अगर आप ये मानते हैं कि उसने जान करके किया, मतलब ये चीज मानते हैं वह उस ईश्वर की अनुमति के बगैर भी कर सकता है। क्योंकि इस पथ पे आप मेरे साथ हैं, तो माने या ना माने कि उसके मुख से कोई शब्द, उसके मन से कोई इच्छा, उसके मन की कोई विचार मंशा गलत आ रही है, कहीं ना कहीं ऊपर वाले की सहमति से आ रही है, उस वक्त आपको क्या रिएक्शन लेना यह आपका काम है। या तो उसके शब्दों के साथ अपने शब्द बढ़ाकर उससे बढ़ा दो, यस, या एक साक्षी भाव से उसको देखकर कानों से या आंखों से निकाल दो, बगैर शब्दों का प्रयोग किए।
ये आज मौन मेडिटेशन के माध्यम से हमने कुछ ज्ञान दे लिया, ध्यान दे लिया, ज्ञान ज्ञान और ध्यान ये तीनों हमने किया। सुंदर से कहानी अंजू जी ने सुनाई जिसने प्रेजेंस को बताया और मैं आपकी कहानी में थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। वह ख्यालों में भी नहीं था ऐसा उसको लग रहा है, वह उसके ख्यालों में भी था लेकिन अपनी अनुपस्थिति रखी कि देखते हैं मुझे कब याद करता है। कभी कभी हम चिढ़ जाते हैं ना किसी से, है ना, बात नहीं करते हैं। बस आदमी, हर इंसान अगर कोई भी अपने कर्म में है, सात्विक कर्म हो असात्विक कर्म है, वह ईश्वर के साथ है, बस उसके फल की तैयार है। अगर सात्विक कर्म है सात्विक फल देगा, असात्विक कर्म है असात्विक फल देगा। हमें कोई जरूरत नहीं शैनी महाराज बनने की, जज बनने की, कि उसके स्वभाव के अच्छे बुरे का फैसला हम करें। यही सबसे पहला तनाव का कारण है। वी बिकम जज, अरे उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उसने बोला, गलत किया। ओ माय गॉड, हु आर यू? आज हमने क्या करा? आज मैं बात एक पूछूं आपसे, आज एक चीज, आज हमने कौन सा साइलेंस एक्स्ट्रा करा? वी कीप अवर नोस्टल्स आल्सो इन द साइलेंस व्हेन वी कीप द होल्ड अवर ब्रेथ। वह कुछ पल ऐसे होंगे तब श्वासों का आना जाना चल नहीं रहेगा, हाँ या ना? तो ये आपको खुद को खोजना है कि साइलेंस आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं। अच्छा, यू फील गुड ना? ऐसे पूछना नहीं चाहिए मुझको, पढ़िए। ओके, कल मिलते हैं एक नए ध्यान की कड़ी के साथ, एक नई कथा के साथ और एक नए ध्यान के साथ, 8:30 बजे। नमस्कार, ब्लेसिंग, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें।